नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर, एक साइड है शहर और दूसरी साइड है आपकी नदियाँ। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, लेह सिंधु नदी के किनारे है, गिलगिट गिलगिट नदी के किनारे है, चंबा रावी नदी के किनारे है, मंडी व्यास नदी के किनारे है, नैना देवी सतलज नदी के किनारे है। फिर है आपका फिरोजपुर, सतलज नदी के किनारे है, गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे है। जब हम देखते हैं कि जो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो ये आपकी भागीरथी के नाम से निकलती है, और इस भागीरथी नदी में एक आपकी नदी आकर मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, भिलगाना नदी। ये भिलगाना नदी है और ये कौन सी है, आपकी भागीरथी नदी है। और ये दोनों नदी जो आकर मिलती हैं टिहरी नामक स्थान पर मिलती हैं, और जहाँ पर टिहरी डैम बनाया गया है, इसलिए जो आपका टिहरी है, टिहरी भागीरथी और भिलगाना नदी के संगम पर है। जब आपकी इधर से भागीरथी नदी आ रही है और इधर से आपकी एक नदी आती है अलकनंदा नदी, और ये दोनों नदी आके कहाँ मिलती है, देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं, है ना, देवप्रयाग पे मिलती हैं। तो इसलिए जो है आपकी देवप्रयाग कहाँ है, भागीरथी और भिलगाना नदी के संगम पर है। फिर है आपका रुद्रप्रयाग। जो रुद्रप्रयाग है, जो ऊपर से आप देखते हैं कि अलकनंदा नदी आती है, तो अलकनंदा नदी में आपकी मंदाकिनी नदी आकर मिलती है, इसलिए जो रुद्रप्रयाग है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के किनारे है। अगला है आपका विष्णुप्रयाग। जो विष्णुप्रयाग है, जब आप देख रहे हैं कि ऊपर से आपकी अलकनंदा आ रही है तो इसमें एक नदी आकर मिलती है धौली गंगा, ठीक है, ये धौली गंगा है आकर मिलती है, और ये कहाँ आकर मिलती है, आपका विष्णुप्रयाग पर। तो इसलिए विष्णुप्रयाग कहाँ पर है, धौली गंगा और अलकनंदा नदी के किनारे है। फिर है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे है, बरेली रामगंगा नदी के किनारे है, फैजाबाद घाघरा नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे है, सरावस्ती राप्ती नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, और ये है आपका अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, और कन्नौज आपका गंगा नदी के किनारे है। इसी तरीके से है आपका कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है, और इलाहाबाद में आप देखते हैं कि जो इधर से जैसे आपकी गंगा नदी आ रही है और इधर से आपकी यमुना नदी आ रही है, और ये दोनों नदी आके कहाँ मिलती है, आपकी इलाहाबाद में आकर मिलती है, इसलिए इलाहाबाद या प्रयागराज जो है कहाँ पर है, आपके गंगा और यमुना नदी के संगम पर है। यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर कौन सा है, आपका प्रयागराज है। अगला है आपका वाराणसी। गंगा नदी के किनारे है, गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी, होशंगाबाद नर्मदा नदी, भरूच नर्मदा नदी, सूरत तापी या ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। फिर है आपका नासिक। नासिक आपकी गोदावरी नदी के किनारे है, और यह पंडरपुर भीमा नदी के किनारे है, नाडेंग गोदावरी नदी के किनारे है, और जो आपका हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे है। ये बहुत पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो ये आपका मूसी नदी के किनारे है। कुरनूल आपकी तुंगभद्रा नदी के किनारे है, और यह आपका नल्लोर, ये आपका पेन्नेरू नदी के किनारे है, बक्सर गंगा नदी के किनारे है, बलिया गंगा नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी के किनारे है, और मुंगेर भी आपका गंगा नदी के किनारे है। अब है आपका भागलपुर, जो कि गंगा नदी के किनारे है, और भागलपुर पड़ेगा आपका बिहार में। और जो आपका दिल्ली है ये यमुना नदी के किनारे है, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे है, कोटा कोटा पड़ेगा आपका राजस्थान में, और ये चंबल नदी के किनारे है, और रावत भाटा भी आपका राजस्थान में है, ये भी चंबल नदी के किनारे है, उज्जैन ये छिपरा नदी के किनारे है, सांची बेतवा नदी के किनारे है, विदिशा बेतवा नदी के किनारे है। फिर आपके हाजीपुर ये बिहार में है, गंडक नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, हावड़ा भी हुगली नदी के किनारे है, और तेलैया आपके बराकर नदी के किनारे है। फिर है मैथन, ये भी बराकर नदी के किनारे है, पंचेत दामोदर नदी के किनारे है, सिंदरी दामोदर नदी के किनारे है, जमशेदपुर
सोनरेखा और खरकई नदी के किनारे है, और जो है आपका डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ पड़ेगा असम में, मांजुली भी असम में पड़ेगा, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। गुवाहाटी ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। धुबरी ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। जब आपकी ये देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो एंटर करती है, नमचा बरवा से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, और इस तरीके से ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करी है और ये यहाँ पे असम में बहती है, और यहाँ पर आपका धुबरी है, असम में धुबरी है, और यहाँ से ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो धुबरी है ये कहाँ पड़ेगा, आपका ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से ही एंटर करती है बांग्लादेश में। जो मानस है, मानस नदी के किनारे है। आइजोल धलेश्वरी नदी के किनारे है। कोरबा हसदो नदी के किनारे है। संबल महानदी के किनारे है। फिर है आपका कटक, ये भी महानदी के किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। पणजी मांडवी नदी के किनारे है। पणजी जो पड़ेगा आपका कहाँ पर है, गोवा में है, जो कुश्की नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है। कारवाड़ काली नदी के किनारे है। श्री रंगपत्नम कावेरी नदी के किनारे है। जब हम देखते हैं कि जो श्री रंगपत्नम एक द्वीप है जिसे टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था, और जो कहाँ पर है, कावेरी नदी के किनारे है। मैसूर कावेरी नदी के किनारे है। मैटूर कावेरी नदी के किनारे है। इरोड कावेरी नदी के है। तिरुचापल्ली कावेरी नदी के है। तंचावुर कावेरी नदी के किनारे है। मदुरई वेगई नदी के किनारे है, और रामनाथपुरम भी वेगई नदी के किनारे है। तो इस तरीके से ये आपके नदियों के किनारे बसे हुए महत्वपूर्ण शहर हैं।